हेलो एवरीवन, आज रिलेटिवली स्मॉल टॉपिक है। टॉपिक है आपका कंपेयर करना है 8085 Z80 6800 के। ये तीनों क्या होते हैं, इन तीनों में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं और तीनों को क्यों कंपेयर करते हैं, ये हम आगे देखते हैं। पहला पॉइंट आता है कि ये तीनों ही क्यों, ये तीनों ही आपके माइक्रो प्रोसेसर हैं और तीनों ही अलग अलग कंपनी के द्वारा बनाए हुए माइक्रो प्रोसेसर हैं। पहला जो आपने सबसे ज्यादा सुना हुआ माइक्रो प्रोसेसर वो है 8085। ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि किसने बनाया था, इंटेल कंपनी ने बनाया था। कब बनाया था, अपने 1970s में इसे बनाया था। तो पहली बार जब 8085 निकला था वो निकला था मार्च 1976 में। Z80 भी सेम उसी समय निकला था, इसे बनाया था जिलॉग कंपनी ने। जिलॉग कंपनी का नाम कईयों ने नहीं सुना क्योंकि जिलॉग कंपनी जो थी उस समय एक स्टार्टअप कंपनी थी। सो स्टार्टअप कंपनी के बेसिस पे इन्होंने जब शुरू में बनाया था तो 1970s में इसे बनाया था। थर्ड बनाया था 6800, ये बनाया था मोटरोला कंपनी के द्वारा। मोटरोला ने कम बनाया था इसे मार्च 1974 में। पॉइंट ये है कि ये तीनों ही जो प्रोसेसर हैं, तीनों ही प्रोसेसर इंटेल के बनाए हुए 8080 के बेसिस पर बने हुए प्रोसेसर हैं। सो ऑल्दो मोटरोला ने इस पर काफी अलग आर्किटेक्चर रखा है, पर ओवरऑल जो डिजाइन आइडिया था, जो बेस था, वो 8080 को हम मान के चलते हैं। ऑल्दो मोटरोला का कंस्ट्रक्शन ज्यादा आप पढ़ेंगे, जब आप देखेंगे तो पता चलता है मोटरोला एंटायरली डिफरेंट चीज है, चूंकि तीनों ही 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर तीनों 70s में थे। सो इन तीनों को हम यहाँ कंपेयर करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि तीनों आईसीज को, तीनों माइक्रो प्रोसेसर को चलने के लिए आपको क्या चाहिए, 5 वोल्ट पावर सप्लाई, दैट इज सिंगल 5 वोल्ट पावर सप्लाई। दैट मीन यहाँ कोई माइनस 5 वोल्ट की पिन नहीं होगी। जब आप इसके चिप या पिन आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक सिंगल पिन है प्लस 5 वोल्ट की, वहां कोई आपको सेकेंड माइनस 5 वोल्ट नहीं मिलता है। ऑल्दो चिप को चलाने के लिए 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट 12 वोल्ट रिक्वायर्ड होता है, लेकिन ये चिप किस पे चलेगी, आपकी प्लस 5 वोल्ट पर चलती है। ये क्या चीज होती है सेकंड, अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जैसा हम जानते हैं 8085 क्या है, एक 40 पिन ड्यूल इन पैकेज आईसी है। दैट मीन वो चिप जिसके एक तरफ 20 और दूसरी तरफ 20, टोटल 40 वायर लगे हुए हैं, 40 पिन इसके लगी हुई है, उसे क्या कहेंगे हम, ड्यूल इन पैकेज आईसी कहेंगे, जहां 1 से लेकर 20 तक एक तरफ और 21 से लेकर 40 तक दूसरी तरफ पिन लगी हुई है। सेम कंस्ट्रक्शन आपका होता है Z80 का, सेम कंस्ट्रक्शन होता है आपके मोटरोला 6800 को। चूंकि इसे मोटरोला कंपनी ने बनाया था तो कई जगह आपको यहाँ M6800 मिलेगा, इसका लेटर मॉडिफाई वर्जन, जैसे 8080 में आपको 808 सॉरी जैसे 8085 में आपको 085A मिलता है, इसी तरह 6800 आपको M6800 के नाम से भी मिलता है। इसके अलावा MC6800 भी आपको मिलेगा। सो इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की हम बात करें तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है इसकी 3 से 5 मेगाहर्ट्ज। जब हम इसको पढ़ते हैं 8085 को, जब हम देखते हैं 3 मेगाहर्ट्ज पर काम करता है। सेम आती है आपके Z80 के साथ, ये वर्क करता है 4 to 20 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर। जहाँ 6800 की बात करें तो इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है 1 मेगाहर्ट्ज। अर्लियर वर्जन इसकी 100 किलोहर्ट्ज पे भी चलते थे, फिलहाल जनरल जो मोस्ट पॉपुलर वर्जन था वो उसका 1 मेगाहर्ट्ज पे चलता है। तो हम फ्रीक्वेंसी क्या मान के चलते हैं, इसकी 1 मेगाहर्ट्ज। तो सिमिलरिटी क्या होगी, सभी 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, दैट मीन सभी में डेटा जो प्रोसेस होगा एक बार में 8 बिट का प्रोसेस होगा। सभी में एक्यूमुलेटर कितने बिट का होगा, 8 बिट का होगा। प्लस 5 वोल्ट पे चलते हैं, सभी 70s में बने थे, सभी 40 पिन ड्यूल इन पैकेज आईसी हैं। डिफरेंस क्या चालू होते हैं इनके, सभी क्या चालू होते हैं, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स सबका अलग अलग होता है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। इसके आगे डिफरेंस पढ़ने से पहले एक बार हम क्विक रिवाइज करते हैं कि तीनों का आर्किटेक्चर क्या होता है। आई होप कि इंटेल का तो सभी ने देखा है, तो हम इंटेल को साथ पहले लेकर चालू करते हैं, उसके बाद कंपेयर करेंगे जिलॉग का आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है और इसके बाद आपके इसके बाद 6800 में क्या अंतर है। हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ 5 स्लाइड में इस वर्क को पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं। हम बस ये देखना चाहते हैं कि ओवरऑल डिफरेंस क्या है आपके पास तीनों चिप में। तो पहला बात करते हैं हम इंटेल 8085 का। जैसा हम जानते हैं इसमें एक ALU जो होता है उसको टेम्परेरी रजिस्टर प्लस एक्यूमुलेटर से कनेक्टेड होता है, प्लस इसमें एक 8 बिट का फ्लैग रजिस्टर होता है जिसमें कि आपकी 5 फ्लैग्स आपके काम आते हैं। सो जब हम मेन रजिस्टर की बात करते हैं तो यहाँ आपके पास मेन रजिस्टर में 7 जनरल पर्पज रजिस्टर हैं, इसके अलावा एक फ्लैग रजिस्टर है, ये रजिस्टर आपको अवेलेबल होते हैं। इंडेक्स रजिस्टर के नाम पर आपके पास स्टैक पॉइंटर होता है, जिसको कि हम इंडेक्स रजिस्टर, कई जगह आपको इंडेक्स रजिस्टर की तरह मिलेगा, कई जगह आपको स्टैक पॉइंटर की तरह मिलेगा। सो इसके बाद आता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर आपके मेमोरी लोकेशंस को, जहां आपका प्रोग्राम चल रहा है उसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कौन रखता है, प्रोग्राम काउंटर रखता है। सो यहां आपके सारे जनरल पर्पज रजिस्टर मिल गया, यहाँ इंस्ट्रक्शन डिकोडर मिल गया, इसका
इसके बाद आपको कंट्रोल मिल गया। कंट्रोल के बाद यहाँ आप देखेंगे तो बसेस जो हैं एड्रेस और डेटा की, डेटा और एड्रेस बस क्या है, मल्टीप्लेक्स की हुई रहती हैं। मल्टीप्लेक्स ये पॉइंट क्यों जरूरी है, क्योंकि मेन अंतर है बाकी दोनों के साथ और 8085 के साथ में। सो ये आर्किटेक्चर आलू सभी ने पढ़ा है, तो हम इस पर ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। सिंपल आर्किटेक्चर है, यहाँ सभी रजिस्टर है, यहाँ डिकोडर एनकोडर है, यहाँ एक्यूमुलेटर है, यहाँ टेम्परेरी रजिस्टर है, ये सब ALU से मैच करते हैं। ALU का आउटपुट वापस से इंटरनल बस पे जाता है। सो इस आर्किटेक्चर को दिमाग में रखते हैं और कंपेयर करते हैं अब हम इसको जिलॉग के साथ। आप जिलॉग देखेंगे तो एंटायरली ऑलमोस्ट डबल जैसा इसका आर्किटेक्चर है। डबल क्यों, इसमें सारे रजिस्टर जो आपने पढ़े थे WZ, जैसे आपने पढ़े थे WZ रजिस्टर क्या होता है, ये स्पीच रजिस्टर होते हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर खुद यूज लेता है अपने पर्पस के लिए होता है। इसके अलावा BCDEHL भी है, पर यहाँ आप देखोगे BC भी दो हैं, DE भी दो हैं, HL भी दो हैं। वाई यहाँ आप देखोगे तो एक्यूमुलेटर भी आपको दो जैसे दिखेंगे, आपको फ्लैग भी दो जैसे दिखेंगे। ये सब क्या होता है, 8085 में सभी एक एक थे, लेकिन Z80 में क्या किया गया, यहाँ हर एक रजिस्टर का एक शेडो रजिस्टर भी बनाया गया। इसे हम कहते हैं शेडो रजिस्टर। शैडो रजिस्टर क्या करता है, शैडो रजिस्टर ये करता है जब आपको प्रोग्राम करना हो, जब आपको काम करना हो, और मान लो एक्यूमुलेटर या सभी इनका डेटा कुछ समय के लिए कहीं और स्टोर करना है, तो आपको मेमोरी की लोकेशन नहीं देखनी पड़ती। इन सबको एक कमांड के थ्रू आप यहाँ से यहाँ कॉपी कर सकते हैं, इसको यहाँ से यहाँ कॉपी कर सकते हैं, फ्लैग का स्टेटस यहाँ से यहाँ कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब भी नेक्स्ट कमांड आएगी इनका स्टेटस, इनका डेटा बदल जाता था 8085 में। दैट इज वाई इनकी एक शैडो बना दी गई। शैडो बनाने का फायदा क्या हुआ कि इनको टेम्परेली स्टोर कर सकते हैं, देन वापस से इसका स्टेटस हम पूरा रिस्टोर करवाना चाहें कर सकते हैं, तो शैडो रजिस्टर यहाँ हो जाता है, तो यहाँ रजिस्टर बढ़ जाते हैं। दैट इज मेन रजिस्टर आपके सेम वे रहते हैं, इंटरनेट रजिस्टर। इन सब की जो है डैश लगाया हुआ, ये इनको बताएगा कि भाई हाँ इनके एक अल्टरनेट रजिस्टर है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडेक्स रजिस्टर की। यहाँ आपके पास स्टैक पॉइंटर के अलावा दो इंडेक्स रजिस्टर होते हैं। इंडेक्स रजिस्टर के अलावा दो स्पेशल रजिस्टर और होते हैं आपके पास, जिन्हें हम कहते हैं इंटरप्ट वेक्टर एंड रिफ्रेश काउंटर। इंटरप्ट रजिस्टर और रिफ्रेश काउंटर ये आपके कंस्ट्रक्शन में यहाँ मिलेंगे। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन डिकोडर और एनकोडर जो आपके आपने 8085 के आर्किटेक्चर बीच में देखे थे, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। कंट्रोल लॉजिक में सारे कंट्रोल लॉजिक हैं ही, और उसके बाद ये बफर होते हैं। पर यहाँ आप देखोगे तो 16 बिट बफर अलग बस अलग जा रही है, 8 बिट बस अलग जा रही है, ये मल्टीप्लेक्स नहीं है। 8 बिट बिल्कुल ही अलग निकलती है और 16 बिट बिल्कुल ही अलग लेती है, क्योंकि जिनसे डेटा जाना होता है उन लाइन्स को अलग रखा गया है, जिनसे एड्रेस जाना है उन लाइन्स को एंटायरली अलग रखा गया है। सो प्रोग्राम काउंटर, यहाँ प्रोग्राम काउंटर भी वही आता है जैसे वो काम करता है। फ्लैग्स के नाम पे जो एच फ्लैग आ रहा है, दैट इज योर हाफ कैरी, हाफ कैरी मतलब ऑक्सिलरी कैरी भी जिसे हम कहते हैं। सो ये बेसिक आर्किटेक्चर में डिफरेंस था 8085 और Z80 के केस में हम जब बात करते हैं। अब इसी चीज को हम कंपेयर करते हैं हम 6800 पे, जहाँ Z80 का आर्किटेक्चर डबल हो गया, वहीं आप देखोगे 6800 का आर्किटेक्चर आपका बहुत छोटा हो जाता है। बहुत छोटा कैसे हो जाता है, इसमें आपके मेन रजिस्टर जिसे हम एक्यूमुलेटर कहते हैं, वहां एक से क्या हो जाते हैं, दो हो जाते हैं, एक्यूमुलेटर ए और एक्यूमुलेटर बी। यहाँ आपके जनरल पर्पज रजिस्टर का काम बिल्कुल ही खत्म कर दिया। सो यहाँ क्या हो जाता है, इंडेक्स रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर के अलावा इंडेक्स रजिस्टर आपके पास कितने हैं, एक इंडेक्स रजिस्टर है। इसके अलावा आपके पास प्रोग्राम काउंटर सेम वही रहता है, इसी तरह आपके फ्लैग्स रहते हैं। फ्लैक्स के अलावा इसके में और क्या क्या रहता है, इंडेक्स रजिस्टर हो गया, स्टैक हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया, फ्लैक्स हो गया, दो एक्यूमुलेटर हो गए, एक NMI होता है, नॉन मास्केबल रिटर्न, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। नॉन मास्केबल इंटरप्ट के अलावा यहाँ टोटल आपके पास 6800 में कितने इंटरप्ट होते हैं, दो इंटरप्ट होते हैं। अगर आपको याद हो तो 8085 में कितने हार्डवेयर इंटरप्ट होते थे, पांच, यहाँ आपके पास कितने हैं, दो। सो ये मेजर डिफरेंस रहेंगे। अब यहां भी आप देखोगे तो एड्रेस लाइंस बिल्कुल अलग जा रही हैं, ये यूनिडायरेक्शनल है, और आठ जो आपकी डेटा लाइन है इन एड्रेस लाइंस के साथ मल्टीप्लेक्स नहीं है, इनके लिए वायरिंग बिल्कुल अलग बनाई है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस आ जाता है कि हाँ ये मल्टीप्लेक्स नहीं है। सेम वही +5 वोल्ट पावर सप्लाई इसे चाहिए, कुछ बस कंट्रोल जो कि रीड राइट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं यहाँ लगाए गए हैं। सो कंपेरिजन हमने देखा तो बेसिक आर्किटेक्चर क्या रहा अपना 8085, Z80 ने क्या किया उसको, Z80 ने उसको कई गुना मल्टीप्लाई कर दिया, वहीं 6800 ने क्या कर दिया उसको कॉम्पैक्ट कर दिया। इसी चीज को हम कंबाइन करते हैं, टोटल इंस्ट्रक्शन आपके पास 8085 में कितनी होगी, 74 इंस्ट्रक्शन हो गई। क्योंकि हमने देखा अभी क्या देखा कि Z80 में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट ज्यादा हो गए। क्यों ज्यादा हो गए, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ रजिस्टर आपके ज्यादा हो गए थे, उनमें आपस में ऑपरेट कराने के लिए, जैसे एक का डाटा आपको ये शेडो में कॉपी करना है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन आपको एक्स्ट्रा चाहिए, आपको सभी रजिस्टर उसके शेडोज में कॉपी करना है तो ऑब्वियस उसके लिए इंस्ट्रक्शन ज्यादा चाहिए, क्योंकि रजिस्टर ज्यादा हो गया तो आपको इंस्ट्रक्शन सेट ज्यादा चाहिए। तो Z80 में इंस्ट्रक्शन कितने हो गए, ऑलमोस्ट डबल, 158 हो गए। सेम बात आते हैं आपका 6800 में, आते हैं 6800 में आपका आर्किटेक्चर थोड़ा स्मॉल हो गया था, तो यहाँ इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी।
आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरप्ट्स। नंबर ऑफ इंटरप्ट्स अच्छे से पता है कि 8085 में पांच होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला ट्रैप, फिर आईएसटी 7.5, 6.5, 5.5 और INTR। अगर ट्रैप, अगर आपने इंटरप्ट का लेक्चर नहीं देखा है तो इंटरप्ट का लेक्चर आप टूट कर दिया, प्लीज उसे एक बार देख लीजिए। तो उसमें पूरा इंटरप्ट का आका 8085 के केस में पूरा इंटरप्ट क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो सब उसमें क्लियर हो जाएगा। Z80 के केस में क्या होते हैं? दो इंटरप्ट रहते हैं। 6800 के केस में भी दो इंटरप्ट रहते हैं। आगे बात करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग की। यहाँ एड्रेस और डेटा बस मल्टीप्लेक्स होती है। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या हुआ कि जो डेटा वायर, आठ डेटा वायर डेटा के लिए काम में आ रहे, वही आठ वायर आपके क्या काम आएंगे, एड्रेस जब जाएगा तो लोअर बिट्स उन्हीं आठ वायरों पर जाएगी, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। सो डेटा बस आपकी क्या होती है, मल्टीप्लेक्सड होती है। किस केस में? सिर्फ 8085 के केस में। ये हमने देखा Z80 और 6800 के केस में मल्टीप्लेक्सिंग नहीं होती है। सो एक्यूमुलेटर हमने देखा 8085 में, सभी जानते हैं एक्यूमुलेटर कितने होते हैं, एक होते हैं। Z80 में कितना होता है? एक एक्यूमुलेटर है प्लस एक उसके क्या है, शैडो है। शैडो कह दीजिए, अल्टरनेट एक्यूमुलेटर कह दीजिए। लेकिन 6800 के केस में क्या है, क्लियरली टू एक्यूमुलेटर थे, एक्यूमुलेटर ए और एक्यूमुलेटर बी। ये मेजर डिफरेंस आ जाता है 6800 8085 में। अब बात करते हैं कि स्टैक पॉइंटर के अलावा क्या कोई और इंडेक्स रजिस्टर था या नहीं था। यस, यहां आपके पास सिर्फ स्टैक पॉइंटर है, उसके अलावा कोई इंडेक्स रजिस्टर अलग से नहीं दिया हुआ। लेकिन अगर Z80 की बात करो तो वहां आपको X और Y दो इंडेक्स रजिस्टर दिए हुए थे। यहाँ 6800 की बात करें तो वहां भी आपको एक इंडेक्स रजिस्टर स्टैक पॉइंटर के ऊपर दिया हुआ था। सो ये मेजर डिफरेंस है आपके तीनों चीजों में, जिसे हम कहते हैं 8085, Z80 एंड 6800। यहां कोई क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ये मेरा ईमेल आईडी है। Have a good day.